अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो आज हम एक नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं, स्पेशल किस्म की, जिसमें टमाटर, हरा धनिया, अदरक लहसुन और दही भी डलता है। इसके अलावा कटी हुई हरी मिर्च हमें चाहिए, और इसके अलावा अदरक और एक अदद क्रीम। ठीक है, तो साइड बाय साइड ये जब हम डालते जाएंगे तो आपको हम मेंशन करेंगे कि किस तरीके से डालना है। और इसके लिए मटन चाहिए, प्याज चाहिए और नमक, सुर्ख मिर्चें, काली मिर्चें और धनिया, और इसके अलावा गरम मसाला। अब आप देख रहे हैं प्रेशर कुकर में मटन हम डाल चुके हैं और प्याज भी हमने डाल दिया है। अब अदरक लहसुन जो कुटा हुआ आपको दिखाया था वो भी हमने इसमें डाल दिया, और साथ में नमक भी जितना हमें चाहिए यखनी के हिसाब से। ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं, और अब इसको हमने प्रेशर देना है। और अब ये देखिए जी, गोश्त जो है वो बॉईल हो चुका है, जो हमने यखनी बनाई थी वो हमने अलग कर ली, और ये बॉईल्ड जो मटन है ये अलग कर लिया। अब हमने एक देगची में ऑयल ले लिया, और अब हमने आगाज़ करना है अपनी कुकिंग का। तो ये बॉईल्ड गोश्त हमने इसमें डाल दिया, और मज़ीद भी अभी डालेंगे। और ऑयल हमने डाला था, और उसके ऊपर हमने मटन डाल के अब हल्का सा फ्राई करना है। एंड देन हमने इसमें जो प्यूरी बनाई थी वो हमने डालनी है, और उसको अच्छे से मिक्स करना है। और बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है हमने, हर एक उस कॉर्नर पे पहुंचाना है इस प्यूरी को, ताकि टेस्ट अच्छा सा आना शुरू हो जाएगा। और ये अदरक लहसुन पिसा हुआ है, इसको हमने इसमें मिक्स करना है अच्छे से। अच्छी सी मिक्सिंग करनी है, क्योंकि थोड़ी देर में हमने इसमें ये भी डाल दिया है, और दही को हमने फेंटा था अच्छे तरीके से, और देन इसमें ऐड कर रहे हैं, क्योंकि दही का एक अपना फ्लेवर होता है ग्रेवी में। और अब इसमें हम मसाला जार डाल रहे हैं, जो आपको मसाले हमने ज़ीरा और सुर्ख मिर्च, नमक, गरम मसाला और धनिया पाउडर बताया था, वो सब हमने इसमें डाल दिया। और देन फिर हमने इसको बहुत अच्छी सी मिक्सिंग भी करनी है। और काली मिर्चें जो आपको बताई थी वो भी हमने इसमें डाल दी, और ये उस टाइम डालनी है जब हाफ डन चीज़ हो जाए। अब इसमें हमने डालनी है क्रीम, क्योंकि बिल्कुल एंड होने लगा है हमारी डिश का, तो अब ये हमने इसमें क्रीम बहुत अच्छे से मिक्स करनी है।
और जनाब यम्मी सी हमारी डिश होगी तैयार। इसको आप चाहें तो राइस के साथ खा लें, या फिर अगर आपकी मर्ज़ी हो तो इसको आप नान के साथ भी ले सकते हैं। तो हमने जो है इसका बंदोबस्त जो किया हुआ है वो नान के साथ है। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ।